अभी ये पौधा बहुत बढ़िया से चल रहा है, एकदम बढ़िया से चल रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब जैसे ही हम पौधे को लगाते हैं और उसके एक डेढ़ महीने के अंदर सर्दी का टाइम स्टार्ट हो जाता है, तो पौधा जो चल रहा होता है वो ऊपर का तना उसका सूख जाता है। जैसे इसमें हम देख सकते हैं, ये इसका पहले का ऊपर का तना था जो इससे अभी भी कनेक्टेड है, ये मेन तना था, ये सूख गया, सर्दी की वजह से सूख गया, ऊपर से इसके पत्ते गिर गए और तना भी ऊपर से लगभग आधा सूख गया। तो उस कंडीशन में हम क्या समझते हैं कि पौधा मर गया है, लेकिन इसकी जड़ों को अगर पानी नमी मिलती रहेगी सर्दी के टाइम में भी, तो ये बीच में से कहीं ना कहीं से वापस फूटता है, वापस फूटेगा और उसी स्पीड से फिर वापस चलना शुरू कर देगा, उसी स्पीड से वापस चलना शुरू कर देगा। इसमें सिर्फ ये यहाँ पर जो जॉइंट बनेगा, ये जॉइंट इसमें जरूर बनेगा, उसके बाद में फिर वापस वहीं से चलना शुरू कर देगा। अभी यहां से इसने वापस फूटना शुरू किया है, वापस चलना शुरू किया है, तो यहां पर इसका जॉइंट नहीं बना क्योंकि इसको सर्दी नहीं लगी। सर्दी के टाइम पे जो तना सूख जाता है वो जरूर वापस नीचे से फूटता है तो जॉइंट बनाता है, उसके बाद में फिर उसी स्पीड से चलता रहता है। और जब ऐसी कंडीशन में उसमें जो जॉइंट बन जाता है उससे घबराने की बात नहीं है, जैसे जैसे पेड़ बड़ा होगा, अब जैसे ये वाला पेड़ देखिए, ये वाला पेड़ ऑलरेडी इसने मोटाई ले ली है, मोटाई लेने के बाद में जैसे जैसे तना मोटाई लेता जाएगा, ये पेड़ भी यहां से इसका मेन तना था, सर्दी के टाइम में ये तना सूख गया था, इसको उखाड़ के नहीं फेंका, इसमें पानी मिलता रहा और उसके बाद में जैसे इसने ऊपर बढ़ना शुरू किया तो ये जो मेन तना था उसके तने के जैसे ही इसकी मोटाई बढ़ती चली जाएगी। ये देखिए, और पौधा बहुत बढ़िया से चल रहा है, कहीं पे कोई भी जॉइंट नहीं है। बस खास बात यही है कि जब हम पौधा छोटा रहता है, जिस टाइम पे पौधे को हम लगाते हैं वो जल्दी टाइम में लगाएं, मतलब जैसे सर्दी का टाइम खत्म हो गया फरवरी मार्च में लगाएं, मार्च में अगर जो पौधा लगाया और उसको पौधे को अगर पानी टाइम से मिलता रहा, नमी मिलती रही, तो वो पौधा चलता रहेगा और बारिश के टाइम पे बढ़िया से पानी उसको मिलेगा। तो ये पौधा जो है, ये पौधा भी पिछली बार की सर्दी के अंदर सूख गया था, यहां से सूख गया था ये, लेकिन इसको पानी मिलता रहा तो ये पौधे ने साइड से यहां से फुटान किया और वापस चलना शुरू कर दिया। तो ये जो जॉइंट बनता है ये भर जाता है, ये देखिए, उसके बाद में इसके अंदर कहीं पे भी कोई भी जॉइंट नहीं बनता है। ये अफ्रीकन मोगनी का पौधा है और इस पौधे की एक खास बात यही होती है कि पौधा जहां पे रुक जाता है वहीं से वापस फूटना शुरू करता है। ये देखिए, ये पौधा यहाँ पे रुक गया था, इसकी ग्रोथ रुक गई थी, लेकिन इसने वापस जहां पर तना रुक गया है वहीं से इसने वापस चलना शुरू किया है। अब ये सीधा निकल जाएगा, इसमें कोई जॉइंट नहीं बनेगा। इसी तरह एक दूसरा पौधा दिखाता हूँ, ये पौधा भी सर्दी के टाइम पर यहां से सूख गया था, ये जो साइड में देख रहे हैं, ये साइड में जो देख रहे हैं ये सूखा हुआ, ये सूख गया था। लेकिन ऐसा नहीं कि पौधा ऊपर से सूख गया है तो उसको पानी देना बंद कर दें, पानी अगर उसको मिलता रहेगा, नमी उसको अगर मिलती रहेगी तो फिर वो वापस पौधा नीचे से फूटेगा, नीचे से फूटने के बाद में फिर उसी स्पीड में चलना शुरू कर देगा और फिर ऐसे ही चलता रहेगा। ये देखिए, इस पौधे की खास बात यही है कि बस ये जहां से रुकेगा वहीं से वापस फूटना शुरू कर देता है। अभी ये पौधा भी, ये देखो, यहां पर रुक गया था, यहां से इसने फिर वापस फूटना शुरू किया है और बहुत बढ़िया से नए पत्ते चल रहे हैं। अफ्रीकन मोगनी के पौधे की, ओरिजिनल जो अफ्रीकन मोगनी का पौधा होता है उसकी खास बात यही होती है कि वो साइड में तने नहीं निकालता। अब ये जो पत्तियां हैं, ये पत्तियां जैसे पौधा ऊपर बढ़ेगा वैसे वैसे ये पत्तियां ऐसे गिरते हुए जाएंगी, ऐसे अपने आप गिर जाएंगी, तोड़ने की भी जरूरत नहीं आएगी, अपने आप गिरते जाएंगी और सीधा चलता जाएगा। कई बार पौधा ऊपर की जो मेन टॉप होती है वो इस तरीके से ऊपर बढ़ना बंद कर देती है, रुक जाती है, और कुछ टाइम के लिए वो पौधा वहीं पे रुका रहता है, तो उसमें घबराने की बात नहीं होती है। ये पौधा वापस यहीं से बढ़ना शुरू करेगा, यहाँ पे कोई जॉइंट नहीं बनेगा, यहीं से वापस बढ़ना शुरू करेगा। अब ये कोशिश कर रहा है, ये देखो, अभी यही पौधा यहां से निकलना शुरू करेगा
ये देखिए इस तरीके से ये बिना जॉइंट के सीधा ऊपर बढ़ता रहेगा। बस इसकी खास बात यही होती है बस। इसलिए जब पौधा सूख जाए, ऊपर से पत्ते सूख जाएं, ऊपर से तना भी सूख जाए, तो उसको ऐसा नहीं कि पानी पिलाना बंद कर दें, उस पौधे के तने को, नीचे का जो तना है उसको देखते रहें। उस वो अगर जिंदा है तो घबराने की बात नहीं है, वो पौधा जैसे ही गर्म टाइम आएगा वापस चलना शुरू कर देगा और वापस उसी स्पीड से बढ़ना शुरू कर देगा। हम क्या करते हैं, जैसे पौधे ऊपर से पत्ते सूख गए, पत्ते लाल पड़ गए, इस तरीके से पत्ते सूखना शुरू कर देते हैं, पत्ता लाल पड़ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तना जिंदा रहना चाहिए। तना जब तक जिंदा है तो पौधा जरूर जलेगा। इसी तरह आपको और भी बहुत सारी जानकारी मिलती रहे उसके लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं और उसके बाद में शेयर करें। धन्यवाद।